जापान ने 12 देशों को लिटिल वेपन्स एक्सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन 12 देशों में भारत भी शामिल है, जो क्वाड मीटिंग का एक बहुत बड़ा असर है। जापान के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जापान के ऊपर आर्मी रखने और लिथल वेपन्स बनाने का रिस्ट्रिक्शन लग चुका था, बट जब से चाइना का इंपेरियलिस्टिक अप्रोच देख रहा है तब से जापान भी अपने यहाँ आर्मी रखने लगा है और लेथल वेपन्स भी बनाने लगा है। उसके पास दिक्कत ये थी कि एक साथ ज्यादा मिसाइल दागने वाले फाइटर प्लेन्स कम है, इसलिए उसने यूएसए से फाइटर प्लेन मांगा F-22। यूएसए ने मना कर दिया, बोला हमारे टेक्नोलॉजी का अचीवमेंट है F-22 फाइटर प्लेन जो हम किसी को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे में F-35 से जापान को काम चलाना पड़ रहा था। अब F-35 से जापान उतना खुश नहीं है तो उसने अमेरिका से कहा कि एटलीस्ट हमको एक स्ट्रक्चर दे दीजिए F-32 का, जिससे हम एक हाइब्रिड तैयार कर पाए F-35 के साथ। और यही हो रहा है, वो अपने विमान को लगाने में, ऐसे विमान बनाने में लगातार लगा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो विमान बन रहा है इसका कयास लगाया जा रहा है कि ये मोस्ट पावरफुल और एडवांस फाइटर प्लेन होगा जो चाइना और उसके वेपन्स को मात दे सकता है। बट ये जो जापान बना रहा है इसके लिए क्या है कि उसका खर्च बहुत हो रहा है। इस खर्च से थोड़ा सा मुक्ति पाने के लिए इसने 12 देशों को अपने लेथल वेपन्स एक्सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है, जिससे कुछ पैसा आ सके तो वो ऐसे फाइटर प्लेन बनाने के R&D में खर्च कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर सके। इसका फायदा भारत को भी सीधे सीधे मिल रहा है और क्वाड का असर भी सीधा दिख रहा है हमारे लिए। डिप्लोमेटिकली जियोपॉलिटिकल जीत के रूप में भी यह है, जहां पर हम चाइना और पाकिस्तान को इस मामले में चैलेंज दे सकते हैं। ये फाइटर प्लेन अमेरिका और यूके के मदद से बन रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त का सबसे एडवांस फाइटर प्लेन होगा। तो इस समय जापान के द्वारा 12 देशों को एक्सपोर्ट किए जाने वाला डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए काफी मायने रखता है। नमस्कार।